नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शहर में बढ़ रहे अपराधों और आगामी त्योहारों की व्यवस्था को लेकर डीआईजी मनीष कपूरिया ने सभी अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें आने वाले त्योहारों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। शहर के डीआईजी मनीष कपूरिया ने मंगलवार रात एक बैठक ली, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में लगातार बढ़ रहे अपराधों और आने वाले त्योहारों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में डीआईजी ने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जनता से सीधे संवाद कर संपर्क स्थापित करने और अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। लेकर के कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ होता है, गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम शहर में मनाया जाता है, लोग भी एकत्रित होते हैं लास्ट समय पर। ये मीटिंग इसी क्रम में ली गई थी, इसमें अपराधों की समीक्षा तो की ही गई थी और इसके साथ साथ आगामी जो लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस हैं उनका भी रिव्यू किया गया था। इसमें आने वाले त्यौहार उनके संबंध में क्या प्रिपरेशंस की जानी है उसका भी रिव्यू किया, इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं और फोर्स के मैनेजमेंट के संबंध में बातचीत की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ, पूरे सौहार्द के साथ ये त्यौहार मनाए जाएंगे। सतत रूप से पुलिस के सभी ऑफिसर, सभी थाना प्रभारी और सीनियर ऑफिसर्स एक मास जनसंपर्क का अभियान चलाए हुए हैं, बड़े पैमाने पर लोगों से, आम जनता से संपर्क करके और उनका सहयोग ले रहे हैं। रक्षा समिति के अधिकांश सदस्य इसमें साथ में जुड़े हुए हैं और एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, ये इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके लिए।